अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वफाकी वज़ीरे इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि नैब की जानिब से मुल्क के वज़ीरे आज़म इमरान खान के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा हेलीकॉप्टर केस चलाना ज़्यादती है और नैब वज़ीरे आज़म की तोहीन कर रहा है। फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान पर हेलीकॉप्टर केस में बकायदा चार्ज नहीं लगाया गया, जबकि नैब की जानिब से केसेस चलाना वज़ीरे आज़म और पाकिस्तान के निज़ाम की तोहीन है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस तोहीन नहीं, बल्कि वज़ीरे आज़म पर बनाए गए केस पर दुनिया नैब पर हंस रही है। हेलीकॉप्टर केस आखिर क्या है? इमरान खान पर ये क्यों चलाया जा रहा है? नैब के चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल ने रवा साल फरवरी में सूबाई हुकूमत के दो सरकारी हेलीकॉप्टर MI-17 और इक्वेरियल को 74 घंटों तक गैर सरकारी दौरों पर फराहम करने के मामले की तहकीकात की हदायत की थी। नैब के मुताबिक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन ने MI-17 हेलीकॉप्टर पर 22 घंटे और इक्वेरियल पर 52 घंटे परवास की, जिसका उन्होंने औसतन फी घंटा 28,000 रुपये अदा किए। खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर 2,00,000 रुपये फी घंटा खर्च आता है। इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा को 1,11,00,000 रुपये अदा करने चाहिए थे, जबकि उन्होंने सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक सिर्फ 21,00,000 रुपये अदा किए। Hi everyone, subscribe to my channel and click the bell icon button for new video updates.